सो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और नई वीडियो के साथ में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के टॉप 7 बेस्ट सर्वर्स के बारे में। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे फ्री फायर के अंदर लगभग 2 महीने के अंदर एक अपडेट आता है, और उस अपडेट के बाद में अपने फ्री फायर के जितने भी सर्वर होते हैं वो काफी हद तक चेंज हो जाते हैं। ऐसे में जब फ्री फायर के सर्वर चेंज हो जाते हैं तो अपन को फिर एक और वीडियो बनाना पड़ता है जिसमें अपन फ्री फायर के बेस्ट सर्वर के बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारे फ्री फायर के अंदर कोई कोई तो ऐसा सर्वर है जिसके अंदर अपन यहाँ पर फ्री डायमंड्स को क्लेम कर सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे फ्री फायर के अंदर अब तो कुछ ऐसे भी सर्वर है जिनके स्टोर सेक्शन के अंदर रेयर से रेयर बंडल अवेलेबल है, और उसी के साथ में उन वाले रेयर बंडल को अपन यहाँ पर डायमंड में परचेज कर सकते हैं। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और हमारे फ्री फायर के अंदर कुछ तो ऐसे सर्वर है उनके, अगर आप यहाँ पर गोल्ड रॉयल देखोगे तो गोल्ड रॉयल के अंदर अपन को फ्री फायर के रेयर रेयर बंडल वगैरह अपन को देखने को मिल जाएंगे। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो इस प्रकार से अपने फ्री फायर के टॉप 7 बेस्ट सर्वर हैं। अगर आप यहाँ पर इन वाले सर्वर को देख लोगे तो आप भी समझ जाओगे कि यार फ्री फायर के कितने बढ़िया बढ़िया सर्वर्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर इन वाले सर्वर्स को देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में अपन को क्या करना है कि सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देना है, और उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो अगर आपने इतना सब कर दिया तो चलो फिर भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2000 years later नंबर 7। तो नंबर 7 पे मैं आपको बताने वाला हूँ थाईलैंड सर्वर के बारे में। देखो यार, आज के टाइम में जितने भी सर्वर हैं वो अधिकतर चेंज हो चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं वो भाग चुके हैं, अपनी लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में जो थाईलैंड सर्वर है वो अपनी लिस्ट में जरूर रहेगा, क्योंकि जो थाईलैंड सर्वर है उसके अंदर एक बहुत ही बढ़िया खूबी है। सबसे पहली खूबी तो यह है कि थाईलैंड सर्वर के अंदर अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया न्यू इवेंट्स वगैरह देखने को मिलते रहते हैं। उसी के साथ में थाईलैंड सर्वर के लक रॉयल के अंदर एक सबसे बढ़िया बात है कि लक रॉयल के अंदर जो डायमंड रॉयल के अंदर बंडल आएगा, उस बंडल का जो फीमेल का बंडल होगा वो अपन को गोल्ड रॉयल में दिया जाएगा। एग्जांपल के लिए आप इधर डायमंड रॉयल का बंडल देख सकते हो, डायमंड रॉयल के अंदर अपन को यहाँ पर एक मेल का बंडल दिया जा रहा है। लेकिन अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे इसके फीमेल के बंडल के बारे में, तो इसका जो फीमेल का बंडल है वो अपन को गोल्ड रॉयल के अंदर दिया जा रहा है। ओ भाई, मारो मुझे मारो। यानी कि थाईलैंड सर्वर के अंदर जितने भी डायमंड रॉयल के बंडल आते हैं उसका जो फीमेल का बंडल होता है वो अपन को गोल्ड रॉयल में मिलता है। इसलिए थाईलैंड सर्वर फ्री फायर का एकमात्र ऐसा सर्वर है जिसके अंदर ऐसा होता है, यानी कि फ्री फायर के किसी भी सर्वर के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे इवेंट सेक्शन के बारे में, तो थाईलैंड सर्वर का जो इवेंट सेक्शन है उसके अंदर भी अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें फ्री में मिलती रहती है। खास करके अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे रूम कार्ड वगैरह के बारे में, तो थाईलैंड सर्वर के अंदर अपन को सबसे ज्यादा रूम कार्ड वगैरह देखने को मिलते हैं। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे स्टोर सेक्शन के बारे में, तो थाईलैंड सर्वर का जो स्टोर सेक्शन है वो उतना ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि स्टोर सेक्शन के अंदर अपन को ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। नंबर 6। तो नंबर 6 पे मैं आपको बताने वाला हूँ ब्राजील सर्वर के बारे में। अब जो ब्राजील सर्वर है वो ओल्ड टाइम में बहुत ही बड़ा सर्वर था, लेकिन आज के टाइम में उतना ज्यादा खास नहीं बचा है। लेकिन जब से फ्री फायर का OB36 अपडेट आया है उसके बाद में ब्राजील सर्वर को थोड़ा एडवांस कर दिया गया है। बेसिकली अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे ब्राजील सर्वर के बारे में, तो ब्राजील सर्वर एक न्यू इवेंट का सर्वर होता है, यानी कि अपने इंडिया सर्वर के अंदर क्या आने वाला है वो आप यहाँ पर ब्राजील सर्वर के अंदर विजिट करके देख सकते हो, क्योंकि ब्राजील सर्वर के अंदर अपन को एकदम न्यू इवेंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। अरे सर क्या बात है। इधर के एक्सचेंज के इवेंट के बारे में बात करेंगे तो इधर आप यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चीजें एक्सचेंज कर सकते हो। कुछ चीजें तो अपन को यहाँ पर फ्री में मिल जाती है, जैसे कि गन स्किन्स वगैरह हो गई, वो तो अपन को ब्राजील सर्वर के अंदर एकदम मतलब बात करेंगे तो फ्री में मिल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कितनी ज्यादा गन स्किन को फ्री में क्लेम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको बाकी की चीजें परचेस करना है तो इधर काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया एक्सचेंज वगैरह चलते रहते हैं, जिनमें अपन को बढ़िया से बढ़िया बंडल मिल जाता है, गन की स्किन मिल जाती है, और उसी के साथ में आप यहाँ पर देखोगे तो कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें अपन को एक्सचेंज में मिल जाती हैं। नंबर 5। तो नंबर 5 पे मैं आपको एक ऐसे सर्वर के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी उम्मीद आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि ये वाला सर्वर भी अपनी इस लिस्ट में आ सकता है। तो अब अपन यहाँ पर बात करने वाले इंडिया सर्वर के बारे में, और इंडिया सर्वर पहली बार लिस्ट में आया है। यानी कि अपन ने फ्री फायर के बेस्ट सर्वर के बारे में बहुत सारे वीडियो बना दिए, लेकिन इंडिया सर्वर कभी भी अपने लिस्ट में नहीं आया था। लेकिन जब से फ्री फायर का OB36 का अपडेट आया उसके बाद में इंडिया सर्वर को फ्री फायर वालों ने बहुत ही बढ़िया बना दिया। आज के टाइम में अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे तो इधर आप यहाँ पर देख सकते हो भाई कितने बढ़िया बढ़िया बंडल्स वगैरह अपन को टॉपअप पे मिल रहे हैं, उसी के साथ में अपन को कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें वगैरह एकदम फ्री में मिल रही है। इस वजह से इंडिया सर्वर अपना 5वें नंबर का बेस्ट सर्वर बन गया है। और उसी के साथ में अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे अपने इंडिया सर्वर की लक रॉयल के बारे में, तो आपने लक रॉयल तो देख ही लिया होगा। लक रॉयल के अंदर अभी बनी वॉरियर बंडल का इवेंट चल रहा है, और आपको तो पता होगा कि यार बनी वॉरियर बंडल इंडिया सर्वर का कितना ज्यादा रेयर बंडल था। नंबर 4। तो नंबर 4 पे मैं आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान सर्वर के बारे में। एक टाइम पे पाकिस्तान सर्वर फ्री फायर का वन ऑफ द बेस्ट सर्वर होता था, लेकिन जब से फ्री फायर का अपडेट आ गया है उसके बाद में पाकिस्तान सर्वर को फ्री फायर वालों ने बहुत ही ज्यादा नीचे धकेल दिया है। क्या तकलीफ है इनको। अगर अपने यहाँ पर पाकिस्तान सर्वर के आज के
टाइम के बारे में बात करेंगे कि आज के टाइम में पाकिस्तान सर्वर कैसा है। तो इधर आप यहाँ पर सबसे पहले लक रॉयल देख सकते हो। पाकिस्तान सर्वर के अंदर अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया रॉयल के अंदर इवेंट्स वगैरह देखने को मिलते रहते हैं और अपन को इधर बहुत ही बढ़िया बढ़िया इमोट्स वगैरह हो गए, गन की स्किन्स वगैरह हो गई, बंडल्स वगैरह हो गए, वो अपन को फेडेड फील या फिर रॉयल के अंदर देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन इधर मैं पाकिस्तान सर्वर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि रॉयल के अंदर अपन को इधर चीजें वगैरह मतलब देखने को मिलती रहती है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान सर्वर फ्री फायर का आज के टाइम में एक गोल्ड सर्वर है। अगर आप यहाँ पर स्टोर सेक्शन के अंदर जाओगे तो आपको बहुत ही ज्यादा चीजें गोल्ड में मिल जाएंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि अपने इंडिया सर्वर का ट्राइबल स्कार्फ कितना ज्यादा रेयर मास्क है, तो ये वाला मास्क अपन को पाकिस्तान सर्वर के अंदर गोल्ड में मिल जाता है। और सिर्फ ट्राइबल स्कार्फ वगैरह ही नहीं, अपन को यहाँ पर इधर बहुत ही अच्छे अच्छे प्रकार के मास्क वगैरह यहाँ पर बात करेंगे तो स्टोर सेक्शन के अंदर मिल जाते हैं। उसी के साथ में अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान सर्वर की एक और सबसे बड़ी खास बात के बारे में, तो इधर क्या है कि आप यहाँ पर ईवो टोकन्स को भी गिफ्ट कर सकते हो। नंबर 3 इंडोनेशिया सर्वर। तो भाई मैंने आपको बता दिया कि अब अपन यहाँ पर बात करने वाले इंडोनेशिया सर्वर के बारे में, और इंडोनेशिया सर्वर कैसा सर्वर है वो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि इंडोनेशिया सर्वर एकमात्र ऐसा सर्वर है जिसके अंदर अपन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कलेक्शन को इकट्ठा कर सकते। इस वाले सर्वर के बारे में बात करेंगे तो इस वाले सर्वर के अंदर बहुत ही ज्यादा फ्री के आइटम्स वगैरह मिलते हैं। जैसे कि इधर आप यहाँ पर देख सकते हो, इधर इस वाले सर्वर का इवेंट सेक्शन दिखाया जा रहा है और इस वाले इवेंट सेक्शन के अंदर अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया बंडल एकदम मतलब बात करेंगे तो क्लैम पर मिल रहे, बस अपन को थोड़े मोड़े यहाँ पर बात करेंगे तो टास्क वगैरह कंप्लीट करने पड़ते। अगर अपन यहाँ पर टास्क वगैरह कंप्लीट कर देते हैं तो अपन को ये वाले मतलब चीजें एकदम फ्री में मिल जाती है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अगर अपन यहाँ पर बात करेंगे लक रॉयल के बारे में तो लक रॉयल के अंदर अपन को बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें मिल जाएंगी। और इधर का जो इंक्यूबेटर होता है वो खास करके फ्री फायर का सबसे बड़ा इंक्यूबेटर होता है क्योंकि इधर यहाँ पर 100% का एक साइन आ जाता है। और इस वाले 100% साइन का ये मतलब होता है कि इधर आप यहाँ पर स्पिन लगाओगे मतलब इंक्यूबेटर के अंदर स्पिन करोगे तो आपको 100% ब्लू प्रिंट या फिर स्टोन जरूर निकलेगा। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे स्टोर सेक्शन के बारे में तो इंडोनेशिया सर्वर का जो स्टोर सेक्शन है भाई उसका तो कहना ही क्या है क्योंकि इधर आपको सारी चीजें यहाँ पर डायमंड में मिल जाएगी। आपको जो भी परचेस करना है आप स्टोर सेक्शन के अंदर जाओ और परचेस कर लो। इधर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको यहाँ पर इस वाले सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। नंबर 2, तो नंबर 2 पे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्री फायर के एडवांस सर्वर के बारे में। और एडवांस सर्वर अपने फ्री फायर का नंबर 2 का सर्वर है क्योंकि एडवांस सर्वर फ्री फायर का एकमात्र ऐसा सर्वर है जिसके अंदर अपन को फ्री के लाखों करोड़ों डायमंड मिल जाते हैं। वैसे मैं इधर ज्यादा कह रहा हूँ, करोड़ों तो नहीं मिलते लेकिन 10 से 20 हजार तक डायमंड अपन को एकदम फ्री में मिल जाते हैं। अपन को कुछ टास्क वगैरह कंप्लीट करने होते हैं उनके बदले में अपन को डायमंड मिल जाते हैं। लेकिन ये वाला सर्वर भी फ्री फायर का कुछ अलग टाइप का सर्वर है क्योंकि ये वाला सर्वर अपने पास हमेशा नहीं रहता है, बस अपन को 10 से 15 दिन के लिए ये वाला सर्वर मिलता है और उसके बाद में ये वाला सर्वर खत्म हो जाता है। इन हरामखोरों के चक्कर में मत पड़। नंबर 1, तो नंबर 1 पे मैं आपको बताने वाला हूँ ऑफिशियल सर्वर के बारे में। अब जो ऑफिशियल सर्वर है उसको अपन एक घोस्ट सर्वर भी कह सकते हैं क्योंकि इधर जो चीजें आपको देखने को मिलेगी वो फ्री फायर के किसी भी सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। इधर के बारे में बात करेंगे तो इधर का हर कुछ चेंज होता है। अगर आप यहाँ पर लक रॉयल के अंदर आओगे तो लक रॉयल के अंदर आप ऐसी ऐसी चीजें देखोगे जो आपने कभी भी नहीं देखी होगी। अगर अपने यहाँ पर बात करेंगे स्टोर सेक्शन के बारे में तो स्टोर सेक्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हो, जो घोस्ट सर्वर हो गया, ऑफिशियल सर्वर हो गया, उसका जो स्टोर सेक्शन है उसके अंदर अपन को यार इतने अच्छे अच्छे बंडल भाई डायमंड में मिल जाते हैं। सो ये था अपना आज का वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते भाई अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.